अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को दलितों में सबसे ज्यादा गुमराह किया। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसे बोल रहा हूं। स्वागत है आपका आज की बात मास के साथ कार्यक्रम में। यूं तो भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भी तमाम विकसित देशों से बड़ा हो चुका है, लेकिन शायद दलित पिछड़े और वंचित समाज के लिए जिस भारत के खाके को तैयार किया गया था, शायद उस खाके की पूर्ति तनिक भी नहीं हो पाई है। इस देश में वंचितों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, यहां तक हर सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो बार बार वंचित तबके के कल्याण के लिए उठाए गए अपने मजबूत कदमों को गिनाती हैं, मानो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लेकिन इन सब तमाम दिखावे की कोशिशों के बाद भी वंचित तबका वंचित बना हुआ है। हाल के वर्षों में कुछ बड़े उद्योगपति के पास पूंजी के केंद्रीकरण, धुआंधार निजीकरण, नोटबंदी और GST लागू करने के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती और कोविड 2019 के व्यापक फैलाव को रोकने के लिए की गई बंदी ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और आर्थिक तौर से गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। अपने आप को पिछड़ा बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने 8वें संबोधन में दलितों, पिछड़ों और गरीब तबके के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को गिनाने की भरसक कोशिश की। प्रधानमंत्री ने 100% लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाने के बाद भी कही और मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात भी कही, लेकिन शायद जमीन पर हालात कुछ और चीख चीख कर बयां कर रहे थे। अपने आप को पिछड़ों का हिमायती बताने वाले प्रधानमंत्री ने भी हाल में हुए 127वें संविधान संशोधन का भी जिक्र किया, जिसमें राज्यों को किसी भी जाति को OBC श्रेणी में डालने का अधिकार दिया गया है। केंद्र के मुताबिक राज्यों को अभी अधिकार मिल गया है कि वो OBC की अपनी स्वयं सूची बनाएं। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक उस समय जिन जातियों को OBC की सूची में डाला गया था उनकी संख्या 1931 की जाति जनगणना के आधार पर मात्र 52% थी, लेकिन बाद में जनगणना न होने के कारण 1990 में VP सिंह द्वारा OBC आरक्षण दिए जाने की घोषणा के तमाम जातियों को अलग अलग तरीके से OBC में घुसाया गया और कहीं ना कहीं पिछड़ों के हक को मारने का काम शुरू कर दिया गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप स्वयं OBC की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम जातियों में उपजाति के कॉलम बने हैं और उन जातियों को OBC आरक्षण भी नहीं मिलता था। लेकिन राजनीतिक लालसा कह लें या लोलुपता या वोटों के समीकरण को फुनाने का रण तमाम सरकारों ने विभिन्न जातियों को OBC में घुसा लिया। चलिए आपको उदाहरण सहित बताता हूं। गुजरात में एक जाति है जिसका नाम है मोत, यानी थांची जाति। राजनीतिक गलियारों में सुर्रा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस जाति से आते हैं। मोत यानी थांची जाति को OBC आरक्षण की घोषणा के 10 साल बाद यानी सन 2000 में OBC सूची में शामिल किया गया, बल्कि पहले ये सामान्य बनिया जाति हुआ करती थी। अब शायद आप ये मेरी बात सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, किस तरह एक निर्धारित OBC सूची में अन्य जातियां घुसाई गईं, ये मैंने आपको बताया। बार बार हर बार ये मांग उठती रही कि सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए, लेकिन सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराई और हमको ये पता भी नहीं चल पाया कि आखिर कौन सी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के दायरे में आती है, और शायद इसी वजह से देश में उन्हें आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। कई बार NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा छिड़ती है, क्योंकि जब भी कोई राज्य सरकार किसी जाति को OBC की सूची में शामिल करने की सिफारिश करती है तो NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उन सिफारिशों पर विचार करता है। कहने को तो यह आयोग जरूरी संवैधानिक दर्जा है, लेकिन राजनीतिक प्रसाद के रूप में इसके प्रमुख पद पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले लोग एक सांसद के बराबर भी ताकत नहीं रखते हैं। अगर कोई सरकार किसी जाति को OBC में डालने की सिफारिश कर रही होती है तो वो उसे मना करने के हालात तक में नहीं होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि OBC में जातियों को डाले जाने की कवायद
कितनी सरल है। मोदी सरकार ने जब आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, उसके पहले भी आयोग जिस जाति को ओबीसी की सूची में डालने की सिफारिश कर देता था तो केंद्र सरकार उसे अधिसूचित कर देती थी। मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। अन्य पिछड़े वर्ग का 27% कोटा पहले से काफी भरा हुआ था। मंडल कमीशन की सिफारिश में देश की 52% आबादी को इसमें घुसाया गया। इसके बाद फिर से इस कोटे में सैकड़ों अन्य जातियों को पिछले दरवाजे से तमाम आरक्षित जातियों की उपजाति कहकर घुसा लिया गया। लेकिन ये तनिक भी नहीं देखा गया कि जिन जातियों को ओबीसी में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है वो क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारित दायरे में आती भी हैं या नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बाजा जमकर बजाया था, लेकिन हंसी तो तब आती है जब प्रधानमंत्री पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कोई भी एक फायदा नहीं गिना पाए। इस पूरे विश्लेषण से ये साफ प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार वंचित और दबे हुए तबके को लगातार ठगने का काम कर रही है और इसी ठग परंपरा का अनुसरण भाजपा शासित सरकारें भी गाजे बाजे के साथ कर रही हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हूं या लुटियंस मीडिया का एक हिस्सा। भाई साहब, आंकड़े हैं मेरे पास। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले सप्ताह आए प्रचार पद के परिणाम में 263 पदों में 223 पद पर जनरल, 32 पर ओबीसी, 7 पर अनुसूचित जाति और मात्र 1 पर अनुसूचित जनजाति को चयनित किया गया। अब शायद आप समझ गए होंगे पूरा हेरफेर और इनका नकली प्रेम। मूल रूप से 27% ओबीसी आरक्षण 22.5% एससी एसटी आरक्षण के आधार से देखें तो इसमें सरेआम पदों की ठानला गर्दी नजर आती है। अगर केंद्र सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल में आई तमाम आर्थिक आपदाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा विपदा किसी पे आई है तो वो है पिछड़े और दलित परिवार। कहा यह जाता है कि तमाम तिकड़मों से और एक सुनियोजित तरीके से इस वर्ग को सरकारी नौकरी से दूर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार बनावटी और कॉस्मेटिक घोषणाओं से ये बार बार बताने का प्रयास कर रही है कि वो दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सबसे बड़ी हमदर्द है।